Hello friends, Jai Jagannath, I am Sabyasachi. Welcome you to our YouTube channel Master Q. Jo mane amo channel ko nua visit korchanti seman ko request karibi ki channel ko subscribe kar diyantu. And do not forget to hit the bell icon and select it all jaha par ki apan mane amo update video ro notification miss karibe. So do not wasting any time, chalantu start kariba ajiro class. Ka friends, aji ame arithmetic ro number series ko nei kete gote question kariba. Number series exam, सब प्रकार competitive exam रे आसुची आउ आसुथिबो मध्य normally number series गुडा को calculation part गुडा को तनो करे हमको देखिले question गुडा को भारी डर लागे किंतु actually से जते difficult नो number series को tackle करिये पई बहुत बडिया बडिया trick अछि आ से trick गुडा को माजी आपन मान को सते discussion करिमि तले देरी न करी चलो start करिबा आजरो प्रथम question देखिबा कोन रहै छि देखो प्रथम क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 1 रे एटे देला गोटा क्वेश्चन देला कि इत देखो एटे गोटा कंजुगेटिव नंबर रहला कंजुगेटिव नंबर माने कोन ना 1 2 3 4 एटे अप टू 10 पर्यंत देला पण स्क्वायर कंजुगेटिव नंबर माने 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर प्लस अप टू 10 रो स्क्वायर तेतबे ए बेला क्वेश्चन देथिबो नॉर्मली कोन आमे जदे ए बेला गोटा गोटा स्क्वायर बाहर करके मिसे मिसे जीबा ऑब्वियसली कैलकुलेशन लेट हबो आमको तो एग्जाम रे एते समय मिलिवनी एते बड़ कैलकुलेशन को सॉल्व करे पे तर बड़ छोटो ट्रिक अछे तर से ट्रिक कोन हमें जानि पले को इजीली सॉल्व करि पर त देखो किप ते को बात करिवा तो प्रथम हमें कोन करिवा देखि दबा जे जत्ते बड़ नंबर दे थाउ लास्ट नंबर ता कोन अछ देखो एटा हमर लास्ट नंबर ता अछि कोन त लास्ट नंबर ता अछि हमर 10 रो स्क्वायर अच्छा ए जो 10 रो स्क्वायर अछि से 10 को हमें कौन करा फास्ट लिख दो 10 बुझे ना फास्ट कौन लिखिबा फास्ट लिख दो 10 अच्छा 10 लिख सला पर 10 रो नेक्स्ट नंबर 10 रो नेक्स्ट नंबर के 11 तले 10 इनटू 11 10 इनटू 11 अच्छा ता पर कौन करिबा ना इनटू दबा 10 आउ 11 को ऐड कर दबा 10 आउ 11 को कौन कर दबा ऐड कर दबा तले 10 आउ 11 को ऐड कर देले केते हो 21 अबे समस्त बुझी पाइला केमिति एटा को लेखिबो प्रथम देखि दो कि लास्ट नंबर कोन रहला लास्ट नंबर देला 10 एटे लिखले 10 इनटू 10 नो नेक्स्ट नंबर केते 11 एटे लिखले 11 तापर कोन कले 10 आ 11 को ऐड कर देला 10 आ 11 को ऐड कर देले केते हो 21 अच्छा लिखसन ला पर डिवाइडेड बाय 6 एटे कोन करबा डिवाइडेड बाय 6 कर दवा ठीक अछि बुझि पाला समस्त एते कि समस्त कर बुझियला अच्छा एबे एते कि लेक्शन ला पर आउ किछ कष्ट नै एको हम काटी परि पर देखो एटे 6 को जदि हम 2 रे काटिबा ए सर एटे जदि 6 को 3 रे काटिबा तले कते हो 2 हो आ 21 को 3 रे काटले कते हो 7 हो बुझेला न बुझेला तब एटे 2 रे काटिले 2 काटले 10 काटले कते हो 5 हो तले एटे 5 इनटू 7 इनटू 11 कते हला 5 7 आउ 11 अच्छा एटे हम लेके देले 5 into 7 के तेला 35 into 11 अच्छा एटी कोई बस सर अपन एटी 35 into 11 पुणे गोटे बड़ संख्या आसी गेला को पुणे मल्टीप्लाई करे पड़ी 35 रे 11 को मल्टीप्लाई करी साला पर जे आंसर बारियो देखो 35 रे 11 मल्टीप्लाई करबे के डिफिकल्ट जिन छन 11 रे जे कोन से नंबर को मल्टीप्लाई करे पई मते मोर ट्रिक कवि देखो एटी अछि के 35 अछि एटी अछि 11 त्याको जे हमें मल्टीप्लाई करे केमते मल्टीप्लाई करे देखो फास्ट केते अछि 3 अछि तापर केते अछि 5 अछि देखो हमर 30 जो नंबर त हम 11 ने मल्टीप्लाई करबे त 35 को हम 11 ने मल्टीप्लाई करबा सेते बेला हमर स्टार्टिंग नंबर त सबले 3 रहइबो एंडिंग नंबर त 5 रहइबो बुझियला तले स्टार्टिंग नंबर दे देले 3 एंडिंग नंबर दे देले 5 अच्छा मझि रे केते रहइबो त 3 आ 5 को ऐड कर दबा 3 आ 5 रो सम 3 आ 5 रो सम केते 8 तले आंसर केते हेगला 385 तले 35 इनटू 11 के तबो 385 बुझियला एही भली पेपर जदे हम ट्रिक अप्लाई कर कैलकुलेशन करिबा ताले क्वेश्चन हमको इजी लागिवो नहले एत्ते बड़ बड़ क्वेश्चन को हम जदे एग्जाम रे धरि के बसिबा ताले बहुत टाइम वेस्ट हे जिवो ताले क्वेश्चन नंबर 1 समस्त बुझी पन्न एबे देखियो क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहला क्वेश्चन नंबर 2 भी सही कंजुगेटिव नंबर तला हम कंजुगेटिव नंबर ओडा कोन स्क्वायर कंजुगेटिव नंबर पड़ा देला 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर नॉट डॉट देला अप टू 60 रो स्क्वायर एटा आउर टिके
ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲା, କାଲକୁଲେସନଟାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହଉ ଆମେ ତ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଛେ, ଟ୍ରିକ୍ ପକେଇକି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ମାରିଦେବେ। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା, 60, ଆମେ ଲେଖିଲେ 60। ତାର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କେତେ ହେବ, 61, ଲେଖିଲେ 61। ଏବେ ତାପର ନମ୍ବରଟା କେମିତି ଜାଣିବା ନା, 60 ପ୍ଲସ୍ 61। ଆଚ୍ଛା 60 ପ୍ଲସ୍ 61 କେତେ ହେବ, 221, ସରି 121। ଏବେ ବୁଝିଗଲା, ତିନିଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ନା 6। ସବୁବେଳେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6 ହିଁ ହେବ, ବୁଝିଗଲା ନା, ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏବେ କାଟିବେ, ଦେଖ ଏଠି 6କୁ କାଟିଲେ କେତେ, 60ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ, 10 ହେବ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଏବେ ଲେଖିଦେବ, ଆଉ ତ କେଉଁଥିରେ କଟିବନି, ଏବେ ଲେଖିଦେବ କେତେ, 10 × 61 × 121। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ 11ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ 121 ଅଛି, ପୁଣି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। 121କୁ ଆମେ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିଦେବା କ'ଣ, 11 × 11, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଭୋଟ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 10 × 61 × 11 × 11, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା 10ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା, 10ଟା ଏବେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଆଗେ ଲେଖିବା 61, 61ରେ ଫାଷ୍ଟ 11ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 61ରେ 11 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଟ୍ରିକ୍ କହିଛି ତୁମକୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହେବ 6, ଏଣ୍ଡିଂରେ ହେବ 1, ମଝିରେ କେତେ ହେବ ନା 6 + 1 = 7। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ, 671। ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 11 ରହିଗଲା ଏଠି, ଆଚ୍ଛା 671 × 11। ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ରହିଲା 6, ଏଣ୍ଡିଂରେ ରହିଲା 1, ମଝିରେ କେତେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତିନିଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ପ୍ରଥମେ 6 ସହିତ 7କୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, 6 ସହିତ 7 ଆଡ଼୍ କଲେ କେତେ ହେବ, 13 ହେବ। ଯଦି 13 ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମେ 3 ରଖିଦେଲେ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, 3 ରଖିଦେଲେ ଏଠି ନେଇଗଲେ 1, 6 ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ 1। ପୁଣି 7 + 1 ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ସରି 7 + 1 ଯଦି ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବା, 7 + 1 ହେଇଗଲା କେତେ, 8। ଏ ତ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ତେଣୁକରି 8କୁ 8 ହିଁ ଲେଖିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବା, ଦେଖ ଆକୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, 1ଟା 1 ରହିଲା, 8ଟା 8 ରହିଲା, 3ଟା 3 ରହିଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ 6 ତା ଉପରେ ଅଛି 1, 6 + 1 କେତେ ହେଇଗଲା, 7। ହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ, 7 × 3 = 8, 1। ଆଚ୍ଛା ଆମେ 10ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ 10ଟାକୁ ଏଠି ଆଣିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, 10ଟା ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହେବ, 7 × 3 = 8, 1, 0। ତାହେଲେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ, 7 × 3 = 8, 1, 0। ତାହେଲେ ବୁଝିହେଲା, 11ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା, 121କୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦେଲି 11 × 11ରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି 11 × 11 କରିଦେଲି, ତାପରେ ମୋତେ 11ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ 61କୁ ଫାଷ୍ଟ 11ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି, ଯେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଗଲା ପୁଣି ସେ ତାକୁ ନେଇକି 11ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି, 10ଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ 0 ବସେଇଦେ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା କନଜୁକେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ପକେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ତାର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦୁଇଟାକ ନମ୍ବରକୁ ମିଶେଇଦେଲେ ଯେତିକି ହେଲା ତାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6, ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ କଲା, ଏଠି ସବୁ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର, ଇଭିନ୍ ନମ୍ବରର ସ୍କୋୟାର୍ରେ ଆଡ଼ିସନ୍ ଦେଲା, ସ୍କୋୟାର୍ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର, ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ, ମାନେ 2ର ସ୍କୋୟାର୍ + 4ର ସ୍କୋୟାର୍ + 6ର ସ୍କୋୟାର୍ ଡଟ୍ 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 ଅପ୍ ଟୁ ଦେଲା 20ର ସ୍କୋୟାର୍। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେବ ବା ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ଦେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ, ସେମ୍ ହିଁ ଟ୍ରିକ୍, ଦେଖ ଖାଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। କ'ଣ ନା, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି, 20 ରହିଲା, ତା'ପରେ ତା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଯିବା 21। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 20 ଆଉ 21କୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା, ତା 21ର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ଲେଖିବା, ମାନେ 20 ରହିଲା, 21 ରହିଲା, 22 ରହିଲା, ବୁଝିଲା ନା, ବୁଝିଲା, ଏଠି ଆଉ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯଦି କନଜୁକେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବା ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ତା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ଲେଖିବା। ହେଲା, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6 ହିଁ ରହିବ, ଏକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6, ଠିକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏବେ କାଟିବା, ଦେଖ ସେ 6ରେ କାଟିଲେ, ହଁ 6ରେ ଯଦି 3ରେ କାଟିବା, 3ରେ କାଟିଲେ 2, ଏଠି 3ରେ କାଟିଲେ 7, 21କୁ 3ରେ କାଟିଲେ କେତେ, 7। ଏକୁ 2ରେ ଯଦି କାଟିବା, 2ରେ 20 କାଟିଲେ ଏଠି ହେବ 10, ତାହେଲେ 10 × 7 କେତେ ହେଲା, 70 × 22। ତାହେଲେ 70 × 22 କେତେ ହେବ, ଆଗେ 22 × 7 କରିଦେବ, 22 × 7 କେତେ ନା, 154, 22 କେତେ, 154, 0 ଗୋଟେ ଅଛି, ଖାଲି 0 ବସେଇଦେବ କେତେ,
1540 राइट आंसर केते हो 1540 बुझेला समस्तंगर तेते बेले इवन नंबर बा युग्म संख्या रो वर्ग रो योगफल देतिगो सेते बेले तबे केमदि आंसर बार करबि किछ डिफिकल्ट नै बहुत इजी अछि जदे ट्रिक अप्लाई करबा आबे मु तुमको बुझो जे बेले टिक टाइम लागो जे तमे जे प्रैक्टिस करबा को प्रैक्टिस करके निजे करिया पे चेष्टा करबो तुम क्वेश्चन देखो देखो तुम कौन गोटे मिनिट भितर भी आंसर बाहर कर गोटे मिनिट भी लगे ना 30 सेकंड लगे 30 सेकंड तुम आंसर बाहर कर दे बुझे समस्त ए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहला एटी कौन कहला ना ऑड नंबर रो स्क्वायर रो एडिशन दे दे ऑड माने अरे ऑड माने कौन ऑड माने है कौन ना अजुग्म संख्यार वर्गर जोगफल ठीक अच्छे देख ते अजुग्म संख्यार वर्गर जोगफल दब मान 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर अप टू 23 स्क्वायर लास्ट नंबरटा भी अजुग्म ही रही ना केवल अजुग्म संख्या ही देखिए भी तुम सेम ट्रिक अप्लाई कर जहाँ थी इवन रवीन जहाँ ट्रिक था अड्प भी सी ट्रिक रहा लास्ट नंबर दे 23 बुझेगा तर नेक्स्ट नंबर है 24 तार नेक्स्ट नंबर है 25 डिवाइडेड बाय 6 बुझेगा ना बुझेगा एब काट छि काटा 6 + 24 चारि ते 25 × 4 के 123 × 23 रहा 23 × 100 23 × 100 के 2300 ए बुझेगा यहाँ तो इजी लगुव समस्त इवन अर्डर कार कन्फ्यूजन नियो शुण ये क्वेश्चन गुड़ा कौन ना एग्जाम आसुचे बुझेगा आम नंबर नेक्स्ट क्लास में मतलब नंबर सीरीज आउ के गोटे आडवांस क्वेश्चन करवा आज तो मुझे इजी क्वेश्चन करुँचा इजी तो नुह क्वेश्चन गुड़ा एग्जाम आसुचे जेहतु आम ट्रिक अप्लाई करके आंसर बाहर करदे पारा तेणुकर आमको इजी लगे धीरे धीरे इजी लगे ठीक अच्छे आउ टे तथा या पर आडवांस लेवल क्वेश्चन करवा एगुड़ा भी क्वेश्चन आसुचे पुणी आदि आडवांस लेवल क्वेश्चन पकईदेला ताको भी आम सल्व कर दरकार ना तुम आडवांस लेवल मध्य जावा ठीक अच्छे तेल देखा आजर लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन एटी कौन कला ना जिते बड़े ये तो आम सब स्क्वायर बाहर करदे वर्गर जोगफल बाहर करदे जिते बड़े क्यूब दे थे थोड़े बड़े क्यूब दे थो कंजुकेटिव नंबर क्यूब तो से आम कौन ट्रिक अप्लाई कर ये क्वेश्चन टा भी आसुचे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अच्छे देख ये 1 क्यूब देला ये 2 क्यूब देला ये 3 क्यूब देला 4 क्यूब डट 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 अप टू के प्लस हम अप टू के 20 क्यूब देला जितने क्यूब दब से कौन ट्रिक आम अप्लाई कर सही लास्ट नंबर ही नवा लास्ट नंबर इंटू तार नेक्स्ट नंबर के 20 × 21 एटे डिवाइडेड बाय 2 करते डिवाइडेड बाय 2 बाकी सब स्क्वायर आम कौन कर डिवाइडेड बाय 6 करदे क्यूब आसीजी डिवाइडेड बाय कौन करवा 2 कर ठीक अच्छे अच्छा कर सारापर यार होल स्क्वायर नहीं जावा कौन कर होल स्क्वायर नहीं जावा अच्छा होल स्क्वायर नहीं गले एवं भितरटा आगे काटिद भितर काटे 2 काटिले के 20 काटने 10 तेल 21 × 10 21 × 10 के 21 × 10 कर देख 10 स्क्वायर करदे 10 स्क्वायर करदे 100 21 स्क्वायर करदे 441 तेल एवं इजी हो मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 441 के 441 × 0 = 0 0 441 0 0 बुझेगा ये आंसर टाइम भूल अच्छे आंसर के 441 0 0 आशा कर समस्त आज क्लास टी बुझीपारे समस्त कनसेप्ट क्लीयर हो जदि किसी डाउट्स रोचे क्वेश्चन को लेकिन आमको निश्चित भाव कमेंट बक्स में जनातु जदि आप बुझीपार तथा तो कमेंट बक्स में लिखी जनातु जदि आपको भिड भल लगी आप फ्रेंड्स मान सहित सेयार करूँ आ चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूल देखा हम नेक्स्ट क्लास आउ किसी नुआ कनसेप्ट सहित नुआ ट्रिक सहित टिल देन गुड बाय थैंक यू।